अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का हलवा। और ये इंग्रेडिएंट्स हैं, यह है बेसन जो मैंने लिया है 250 ग्राम, ये मेवा है, और ये चीनी ली है मैंने जो कि 150 ग्राम, घी लिया है 150 ग्राम, 3 चम्मच सूजी के लिए हैं और 1 कप दूध। अब सबसे पहले मैं पैन में डालूंगी बेसन, इसको हम 5 मिनट तक भूनेंगे बगैर घी घी के, ऐसे ही भूनेंगे। पाँच मिनट तक ऐसे ही भूनती रहूंगी मैं, और 5 मिनट बाद हम इसमें घी डालेंगे। जब इसमें ना खुशबू आने लगी, जैसे चनों की आती है, चनों की खुशबू भूनेंगे, ऐसी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें घी डाल देंगे। 5 मिनट तक मैं इसे सूजी को, उसको बेसन को भूनूंगी, और साथ ही मैं इसमें डालने जा रही हूँ सूजी 3 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून मैंने सूजी डाल दिया। अब हम इसको ना 5 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे हल्की आंच पर। आंच हमेशा हल्की रखें इसमें, अगर तेज़ रखेंगे तो बेसन जल जाएगा। अब इसमें ना लाइट सी खुशबू आने लगी है, थोड़ी देर और मैं इसको भूनूंगी ताकि खुशबू और अच्छी आ जाए, फिर मैं इसमें घी डालूंगी। बिल्कुल अब खुशबू आ चुकी है और सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है। इसमें मैं डालने जा रही हूँ 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, और ये मैंने जो घी लेके रखा था देसी घी है, आप चाहें तो इसमें डालडा ऑयल भी डाल सकते हैं। और देसी घी से ये है कि जायका बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है, और ज़्यादा मज़े का हलवा बनता है। दस मिनट तक हमने इसको ऐसे ही भूनना, और बिल्कुल लो फ्लेम, मीडियम फ्लेम पर, आँच तेज़ नहीं करनी और चलाते रहना है, वरना ये लग जाएगा और फिर इसमें स्मेल अजीब सी जलने की आ जाएगी, इसलिए ख्याल रखो कि इसको चलाते रहें, चलाना ना छोड़े बिल्कुल। अभी ये भुनेगा ना तो फिर मैं इसमें चीनी डालूँगी, शुगर ऐड कर देंगे। ये मैं 10 मिनट हो गए इसको भूनते, अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ शुगर। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे जो मैंने लिया तकरीबन 150 ग्राम, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है अपने टेस्ट पर, क्योंकि हम लोग थोड़ा मीठा नॉर्मल खाते हैं, इसलिए मैं 150 ग्राम डाल दूँ, अगर कम लगेगी तो उसके बाद भी डल सकती है। ये भून ली है, भूनते भूनते ये इसमें मुझे 5 मिनट हो गया, 5 से 7 मिनट बाद में जो हो जाएंगे इसको भूनते 5 मिनट, तो मैं इसमें दूध ऐड कर दूँगी। और फ्लेम को मैं बिल्कुल लो कर दूँगी ताकि एकदम दूध जले, और आहिस्ता आहिस्ता दूध डालते हैं इसको
दूध डाल के मैं इसको भूनूंगी। इसमें एक कप मैंने दूध डाला है और हाफ कप में इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे 5 से 10 मिनट तक। और हलवा हमारा एकदम मज़ेदार और दानेदार तैयार हो जाएगा। यकम रबी अव्वल हो चुकी, यकम यानी रबी अव्वल का चांद चढ़ चुका है और रबी अव्वल स्पेशल है ये, क्योंकि रबी अव्वल में पता है रसूल खुदा की विलादत का दिन मनाया जाता है, तो लोग हलवे और पता नहीं क्या क्या कुछ बनाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं हलवा बनाकर आपको दिखाती हूँ, ताकि रबी अव्वल में आप हलवा बना सकें। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही मेरे चैनल में चल रहा है। अगर आप देखते रहेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो नई से नई वीडियो आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको ऑयल कम लगे ना, घी कम लगे इसमें, तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा घी और डालूंगी। तो 4 टेबल स्पून ये मैंने और डाल लिया, क्योंकि मुझे कम लग रहा था। आप चाहे तो इसमें जर्दे का रंग भी डाल सकते हो, पर मुझे पसंद नहीं है, मैं जर्दे का रंग नहीं है ऐड करूँगी इधर। मुझे इसकी ऐसी ही शक्ल पसंद है, तो मैं इसमें जर्दे का रंग नहीं ऐड कर रही। आप चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि इसे अच्छी तरह से भूनना पड़ता है। अगर नहीं भूनेंगे तो इसमें कच्चा कच्चे पन की आएगी, फिर हलवा हलवे में वो टेस्ट नहीं आएगा जो आता है। मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं हलवा भूनते हुए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मेवा। आप चाहें तो इसमें कोई सा भी मेवा डाल सकती हैं, पर मैंने इसमें डाला है थोड़े से 5-6 से 7 दाने काजू के और 10 से 11 बादाम और 8 से 10 दाने मैंने पिस्ते के डाले हैं इसमें काट कर, और थोड़ा सा नारियल, क्योंकि नारियल बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए कम ही डालती हूँ। अभी थोड़ी देर इसके साथ भूनेंगे तो इसका भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा, हलवा हमारा टेस्टी तैयार हो जाएगा और जो खाएगा वो आपको आपकी तारीफ करेगा। मैं तो फैमिली में सबको बहुत पसंद है,
ये हलवा हमारा तैयार हो गया। और मैं एक दफ़ा दोबारा ट्वीट कर देती हूँ कि मैंने इसमें 250 ग्राम बेसन लिया था और 3 चम्मच सूजी के लिए थे और 150 ग्राम चीनी ली थी और 250 ग्राम तकरीबन घी लिया है, देसी घी। और ये हमने डिश आउट कर रही हूँ। हलवा हमारा तैयार हो चुका है, उस पर मैंने थोड़ा सा देसी घी रख दिया है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।